हमारे उपनिषदों में ये स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान भरा पड़ा है। उसमें से एक है तैतरीय उपनिषद। उसमें वो शरीर के पांच कोष जो होते हैं उसका बताते हैं। उसको त्रिशरीरवाद कहते हैं, थ्री बॉडीज। तो पहला है स्थूल शरीर, दूसरा है सूक्ष्म शरीर और तीसरा है कारण शरीर। स्थूल शरीर में जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं वो बनता है अन्नमय कोष। अन्न है उससे वो बनता है, जो हमारा फिजिकल फॉर्म है। दवा भी हमारी अन्न है। तो जो हम भोजन लेते हैं, भोजन और पाचन उत्सर्जन, वो जो क्रिया जो है उससे जो ये शरीर बन जाता है वो बन गया अन्नमय कोष, वो हमें विजिबल होता है। उसके बाद आता है सूक्ष्म शरीर जिसको हम सबटल बॉडी कहते हैं। उसमें प्राणमय कोष, वाइटल ब्रीदर एनर्जी, मनोमय कोष, मन माइंड, विज्ञानमय कोष इंटेलेक्ट बुद्धि। उसके बाद तीसरा शरीर आता है कारण शरीर, कॉजियल बॉडी, जो अंतिम कोष है आनंदमय कोष, ब्लिस, हम जिसको ब्रह्म कहते हैं, उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। जैसे एक हवा का जो गुब्बारा होता है, बलून, उसके बाहर एक पतली परत होती है जिसके अंदर वायु होती है और वातावरण में वायु होती है। जब वो गुब्बारा मिट जाता है, फूट जाता है, तो वायु वायु से मिल जाती है। तो ऐसे ही उदाहरण देते हैं कि ये रियलाइजेशन, ब्रह्म और हम मनुष्य, जो चेतना जो है और नीचे जो स्थूलता आती है, यही है ये त्रिशरीरवाद का मतलब।